हेलो दोस्तों, आज हम इसमें और आगे जाएंगे। एंडिंग तक हम आ चुके हैं। अब जैसे कि यहाँ पे शेप है, थोड़ा सा क्रॉस जाके इस तरीके से एक अंदर तक थोड़ा सा जो ऑब्जेक्ट है क्रिएट हो रहा है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर के जो शेप है इसे थोड़ा आगे ले लेता हूँ और इसमें इस तरीके से शेप अप करके रख देता हूँ। हम इसे 3D प्रिंटेबल टाइप का बना रहे हैं। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि जो यहाँ के जो पार्ट्स गैप है, यहाँ से हम दो ऑब्जेक्ट भले बनाएंगे बट इंटरनली इसे मर्ज कर देंगे बाद में, या फिर ओवरलैपिंग करेंगे। बट फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको पैकअप कर रहे हैं। एग्जाम्पल के यहाँ से यहाँ तक मैं इसमें जो है ब्रिज क्रिएट कर देता हूँ, ये जितने ऑब्जेक्ट्स है यहाँ से। ओके, ब्रिज, और इस सेगमेंट्स को रिंग देके यहाँ पर मुझे जितने एजेस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, तो मैं 5 एजेस ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, अब इसमें सारे एजेस को थोड़ा फ्लो मेंटेन कर देंगे। ओके, कुछ इस तरीके से नज़दीक लेके। ओके, फिर इसे भी हम क्या करेंगे, ब्रिज या फिर कैप क्रिएट करके कनेक्ट दे सकते हैं। ओके, जैसा हमें सूटेबल हो, मैं इसमें ब्रिज दे रहा हूँ। ब्रिज दिया और यहाँ पे ओके बॉर्डर सिलेक्ट करके कैप। ओके, तो ये हमारा जो एक सेक्शन है कंप्लीट हो गया। बस अब हम अगर मैं स्मूथ रखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर हम सपोर्टिव एज दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रिंग करके एक ही एज देता हूँ एंडिंग में। ओके, 80 या फिर 85 समथिंग इसका वैल्यू रख सकते हैं। ओके, अब फाइनली हम आते हैं एंडिंग बॉडी पे। फिर लास्ट में जो है हम इस डिटेलिंग्स को भी देंगे। तो सबसे पहले हम इसे शेपिंग दे देते हैं, जो हमें इसके लेवल का देना है, इसके स्ट्रीट का, यानी कि जो वर्टाइसेस है यहाँ के अल्टर के साथ डी सेलेक्ट। अब इसमें हमें इसके लेवल तक लेना होगा। ओके, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इधर एक कट दिया गया है जो कि इस ऑब्जेक्ट का कट है, तो इसे हम बाद में सेपरेट कर देंगे। और यहाँ पर जो शेप क्रिएट हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि ये जो पार्ट है इसे भी हमें फ्लो में रखना है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से फ्लो मेंटेन करते हैं। और साथ में यहाँ से शेप गया और जिस ओके, जब ये यहाँ पर आता है ये भी इसी के लेवल का रहेगा। ओके, तो हमारा यहाँ तक तो शेप ठीक है, बट एक एज जो है यहाँ से कंटिन्यू होके जाएगा। ओके, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना है। तो यहाँ पर हम एक एज का एडिशन करने जा रहे हैं, जो कि कुछ इस तरीके से ये एज फॉर्मेशन हो रहा है, बट हमें बॉटम की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बॉटम में एज दे रहे हैं तो भी आई थिंक ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर वैसे भी
गैप्स जो है ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे एक एज सेंटर्ड करके ले रहा हूँ और इस एजेस को कंटिन्यू लेके जाते हैं नीचे तक और इसे रहने देते हैं कुछ इस तरीके से। वेल, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक एक फ्लो मेंटेन करेंगे और उसके बाद ओके यहाँ से भी थोड़ा सा अंदर रखेंगे इसे कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो ये आगे का जो शेप है इसमें भी हमें शायद थोड़ी सी डिटेलिंग्स बाद में हमें देनी पड़े। ओके, अब हम एक एज यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ। ओके वेल, ओके अब थोड़ा सा फ्लो मेंटेन करने के लिए से थोड़ा सा हम कर्व शेप कर देंगे। ओके, अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो इस एज को हमने क्रिएट किया है इसमें हमें थोड़ा सा शार्प डेप्थ जो है हमें देना है। तो डेप्थ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। ओके, नीचे लेने के बाद अगर हम चाहे तो बॉटम का भी उसी तरीके से कर सकते हैं ताकि जो फील होगा वो फील एक अच्छा लुक देगा। एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी क्रिएट कर रहा हूँ थोड़ा सा अंदर। ओके, अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि चैम्फर दे देंगे। ओके, चैम्फर की वैल्यू इतना काफ़ी है आई थिंक। ओके, काफ़ी इनफ है। अब जो है यहाँ का जो शेप है, ओके, यहाँ पर भी आई थिंक हमें एक चैम्फर की ज़रूरत होगी और सिमिलरली यहाँ पर भी। तो मैं यहाँ पर भी चैम्फर लेता हूँ। ओके, तो बैक पार्ट में कुछ एजेस एक्स्ट्रा रहेंगे जो कि हम बाद में सेटअप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो हमें यहाँ पर फोकस देना है फ्रंट में। ओके, कुछ इस तरीके से ये बिल्डअप हो रहा है। अब जो है इसे भी मैं फाइनली पैकअप कर देता हूँ और जो डिटेलिंग्स है अपर साइड में वो हम एक साथ डेवलप कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एजेस को सिलेक्ट और जो एजेस फ़िलहाल हमें ब्रिज नहीं करना है उसे डीसेलेक्ट। ओके, अब इतने को हम क्या करेंगे ब्रिज। अब यहाँ पर ब्रिज करने के बाद हम रिंग दे देंगे और जो एजेस की ज़रूरत है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे चार और स्टार्टिंग एंडिंग में दो। तो सबसे पहले तो चार एज जो है वो क्रिएट कर दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद इसको थोड़ा सा मेंटेन करेंगे फ्लो। ओके, यहाँ पर भी। ओके वेल, अब हम जो है यहाँ पर यहाँ पर जो स्टार्टिंग एंडिंग के जो दो एज है उसे भी क्रिएट कर देते हैं ताकि क्या कुछ मिस ना हो जाए। ओके, यहाँ पर और सिमिलरली बॉटम में भी
याद रखें, हम ये सब पैकअप इसलिए कर रहे हैं कि हम 3D प्रिंटेबल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ओके, और यहाँ पर बॉर्डर सिलेक्शन देके दो एजेस जो हैं ऊपर के डीसेलेक्ट करेंगे और बॉटम के भी, ताकि हम इसे ब्रिज कर सकें। अब जो है मैनुअली फिर से बॉर्डर सेलेक्ट करके कैप कर देंगे और एक सपोर्टिव एज जो है यहाँ पर दे देंगे, रिंग और लूप 90। इसका सिमेट्री वैल्यू हमें कम करना है, 0 का। ओके, वेल, अब हम देख सकते हैं दोनों पैक हो गए हैं। बट जैसे कि हम इसे 3D प्रिंटेबल में यूज़ करना चाहते हैं, तो गैप जो है, गैप तो थोड़ा भले दिखे, नहीं दिख रहा हो तो हम इसे थोड़ा सा दिखाना चाहें तो थोड़ा पीछे ले सकते हैं। बट ऐसे हमें 3D प्रिंटिंग यूज़ करना है तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो इनर साइड में जो कि विजिबल नहीं होगा, उसे थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देंगे, ताकि जो एक्सट्रूशन अंदर जाने के वजह से क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट जो है पैक्ड रहेंगे और फ्यूचर में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि 3D प्रिंटिंग में एयर टाइट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑब्जेक्ट ओवरलैप होने से कोई इशू नहीं है। ओके, इसे 0 स्ट्रेट कर देते हैं, फिर इसे 0 में सेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक दो वर्टाइसेस 0 करना है। ओके, वेल, अब जो यहाँ पर भी सपोर्टिव एज देना है, तो यहाँ पर भी हम एजेस क्रिएट कर देंगे और आई थिंक यहाँ पर भी हम एज, वो ठीक है, यहाँ पर नहीं देंगे तो भी आई थिंक। ओके, ठीक है, तो हम देख सकते हैं। ओके, आई थिंक मैंने काफ़ी आगे ले लिया, तो वर्टाइसेस को फिर से थोड़ा सा मैं आगे लेके जा रहा हूँ। ओके, वेल, अब जो है मेश मोड के बाद थोड़ा सा गैप्स जो है दिखेगा, तो जो हम चाहते थे वो गैप्स दिख रहा है। बट अब फाइनली ऑलमोस्ट सब कंप्लीट होने के बाद जो कुछ लाइनिंग्स के डिटेल्स है वो हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो लाइनिंग्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, जो एज है इस एज को सिलेक्ट करते हैं। आई होप कि ये एज जो है बॉटम में भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसे चैम्फर थोड़ा सा दे दूँ और इसमें चैम्फर देने के बाद अगर सेगमेंट्स निकाल दूँ और 0.5 आई थिंक 0.05, और यहाँ पर सारे पॉलीज को सिलेक्ट करके इंसर्ट दे दूँ, एक्सट्रूड बट माइनस वैल्यू में। ओके, अब इसका असर जो है इसे लोकल में रखेंगे और इसका जो वैल्यू है इसे एक और स्टेप माइनस 0.05 लेते हैं। अब जब हम इसे मेश मोड में देखेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हमें सेगमेंट्स 2 कर देना है, तो आई थिंक ये बेटर ऑप्शन है। ओके, तो इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर भी हम वही ट्रिक यूज़ करेंगे और यहाँ पर जैसे कि इस पार्ट को हम थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं,
थोड़ा सा अंदर, और यहाँ से एज फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं। बट जैसे कि आगे शेप नहीं दिख रहा, तो हम इसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, आगे का जो डिवीज़न है इसमें हम थोड़ा सा निकाल देंगे। वेल, तो इतना का एज सिलेक्शन है, और इसमें हम देने जा रहे हैं चैम्फर। चैम्फर वैल्यू थोड़ा सा देंगे 0.05। और वर्टेक्सेस अगर ऐड करना हो तो यहाँ पे वेल्ड कर सकते हैं, और सारे एजेस सिलेक्ट, पॉलिश सिलेक्ट, और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्सट्रूड देने जा रहे हैं लोकल में माइनस वैल्यू के कुछ इस तरीके से। तो ये जो हमारा शेप है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब एक और चीज़ जो है, जो कि सेंटर से और यहाँ से भी एक एज फॉर्मेशन बाकी है, तो मैं इसे भी एज फ्लो जो है क्रिएट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके, इसमें जो है हम क्या करने जा रहे हैं कि ओके, यहाँ पर एक परेशानी है कि ये जो है बैक से आ रहा है, और यहाँ पर भी हमें एल शेप में लेना है, तो मैं इस एच को यहाँ से डी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर इसे कंटिन्यूएशन देता हूँ यहाँ पर, और इसमें जिस तरीके से हमने यहाँ पर एज फ्लो मेंटेन किया, वैसे ही हम चैम्फर देके, सॉरी, जब चैम्फर देंगे तब हमें एक और एज ऐड कर देना है। ओके, अब ऑर्थोग्राफी में आके इसे थोड़ा सा सेट करेंगे वेल्ड, और यहाँ पर इसे वेल्ड। ओके, ताकि ये जो एज फॉर्मेशन है थोड़ा सा शार्प दिखे। ओके, यहाँ पर भी शार्प हो जाए। ओके, तो जो एक्स्ट्रा वर्टाइसेस होंगे, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, तो इसे वेल्ड कर देंगे। ओके, आई थिंक अब ठीक है। यहाँ पर अगर हमें एजेस की ज़रूरत नहीं है तो इसे हम निकाल सकते हैं, इसे भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कुछ शेप इस तरीके से क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर कुछ और डिटेलिंग्स है जो कि कर्वी शेप का है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो सेंटर में हमें एक एज फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो हम पहले ऐड कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा, एक फ्लो मेंटेन होगा। इसे मैं थोड़ा सा स्केल अप करता हूँ। ओके, और जो बॉर्डर है, बॉर्डर को भी स्लाइड स्केल अप करेंगे ताकि थोड़ा सा कर्व दिखे। ओके, यहाँ पर हम वाई एक्सिस से स्केल कर सकते हैं, और सिमिलरली इसे भी। ओके, अब इसी के साथ साथ हम इस पर भी एक एज फॉर्मेशन जो है कर सकते हैं यहाँ पर।
यहाँ पे आई थिंक कुछ एजेस की गड़बड़ी हुई है, तो पहले इसे भी सेट कर देते हैं। थोड़ा सा गैप रखना होगा, गैप ना होने की वजह से ये ब्लैकनेस और डिस्टर्बेंस थोड़ी सी हुई है। ऐसे जब छोटे ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे माइनर ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो उसे थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं हम। यहाँ पर थोड़ा ठीक है, ओके, और थोड़े बहुत एडजस्टमेंट यहाँ पर रहेंगे क्योंकि हमने लोकल व्यू लिया हुआ था। ओके, काफ़ी डिस्टर्बेंस हो चुके हैं यहाँ पर, तो इसे भी इस तरीके से हम थोड़ा सा फ्लो जो है मेंटेन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक और है, आई थिंक ठीक है। यहाँ पर हमने सपोर्टिव एज दिया नहीं है क्योंकि स्पेस ऑलरेडी कम था और हमने इटरेशन वैल्यू में स्मूथ में 2 रखा था। अब यहाँ पर मैं एक और एज क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसे मैं स्केल अप दे देता हूँ। ओके, सिमिलरली एक मेश मोड सिमेट्री ऑन करके यहाँ पर भी स्केल अप। ओके, तो जो कर्व पोर्शन की हमें रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें करना है जो कि हमें कर्व शेप एक देना है, तो उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो एच फ्लोस है, ये एच फ्लोस के साथ थोड़ा सा हमें चेंजेस करना होगा फ्लोस को। ओके, और जब हम इसे इस तरीके से करने जाएंगे तो हम देख सकते हैं, तो इस तरीके का कुछ डिटेलिंग्स होगा। तो इसमें मैं यहाँ के जो वर्टिसेस है इसे एज के थ्रू कोशिश करता हूँ कि फ्लो मेंटेन रख के आगे ले लूँ, और इसे भी थोड़ा सा आगे। ओके, फिर जब ये मेश मोड ऑन होगा तो ये कुछ इस तरीके का शेप जो है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो एज है, इस एज को यहाँ से मैं चैम्फर देने जा रहा हूँ। चैम्फर देने के बाद इन दो पॉलीगॉन्स, आई थिंक इसे पहले डिलीट कर दूँ, इन दो पॉलीगॉन्स को एक्सट्रूड माइनस में दिया हूँ। अब एक पॉलीगन यहाँ से फिर से डिलीट हो जाएगा, और ये जो वर्टाइसिस है इसे हम वेल्ड कर देंगे। वेल्ड करने के बाद हम देखते हैं कि एक एज फ्लो यहाँ पर क्रिएट होके पड़ा है, तो इसमें अगर हम मेश मोड ऑन करके अब देखें तो कुछ इस तरीके का शेप जो है क्रिएट हो चुका है, और ये जो डिस्टर्बेंस है इसे हम डिलीट कर देते हैं पॉलीगॉन्स को। अब हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ परेशानी हो रही है क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्टिव एज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, ओके,
इसे नन में रख के ज़ीरो करेंगे। ओके, और यहाँ पर हमें सबोर्डिव एजेस की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि रिंग एक रिंग यहाँ पर और एक रिंग इस तरफ, अब यहाँ से जो वर्टाइसेस है से सबसे पहले मैं कॉर्नर में वेल्ड कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ सॉरी। फिर हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट जो है वो क्या आने वाला है। एक यहाँ पर भी ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, तो मैं इसे कुछ इस तरीके से मेंटेन कर दे रहा हूँ। और जैसे कि आई थिंक एक और हमें एज की रिक्वायरमेंट शायद, ओके ठीक है, अब परफेक्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल्स हमें देना है, तो इस पॉलीगॉन्स को पहले डिलीट करता हूँ। ओके, अब इसे थोड़ा सा कर्व शेप देता हूँ मैनुअली, और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करने जा रहा हूँ, जो कट जो है मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, अपने हिसाब से मैनुअली कर रहा हूँ। ओके, और अब इस एज को बॉटम के साइड लेके दोनों को वेल्ड कर देंगे। ओके, तो वेल्ड होने के बाद जो सेंट्रल वर्टाइसेस है यहाँ पर हम एजेस को ब्रीच कर देंगे। ओके, अब एक चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का शेप क्रिएट हो रहा है, तो इसे हमें क्या करना है, हमें सपोर्टिव एज जो है यहाँ पर एक फॉर्मेशन करना होगा। ओके, और इसे चाहिए तो थोड़ा सा हम स्मूथ भी कर सकते हैं, बट पहले चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर हमें ये जो पॉलीगॉन्स है थोड़ा सा बॉटम साइड लेके आई थिंक हमें इस एज की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत हमें यहाँ पर एज फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो अगर हम यहाँ पर एज फॉर्मेशन करने जा रहे हैं तो आई थिंक चारों तरफ हमें एज जो है दे देना चाहिए। 50 पे रखता हूँ पिंच वैल्यू। अब हम इसे देखते हैं, ऑलमोस्ट फाइनली कंप्लीटेड है, बट थोड़ा सा शेपिंग जो है हमें एज देना ही होगा। ओके, और अब यहाँ से रिंग देंगे जो कि पहले ही हमने दिया था। अब हम मेश मोड में अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे कुछ हार्ड शेप आ रहा है, तो हार्ड शेप ना आने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, वेल्ड जो है
एज फ्लो यहाँ पर मेंटेन करते हैं, और कुछ जो गड़बड़ी यहाँ पे है, एजेस बढ़ रहा है तो एजेस ना बढ़ने के लिए हम एक चीज़ ऐसा कर सकते हैं कि जो हम वर्टाइसेस यहाँ पर ले रहे हैं इस तरीके से वेल्ड करके अगर हम कुछ ऐसा वर्कआउट करें ओके आई होप कि ये बेटर हो ओके यहाँ पे ठीक है और यहाँ पर थोड़ा सा कर्वी शेप हो रहा है तो वैसे तो ठीक है बट इसमें भी हम एक सेटअप कर सकते हैं कि एक टारगेट वेल्ड यहाँ पर देकर इस एज को प्लस इतने एज को हम कंट्रोल बैक स्पेस से निकाल सकते हैं ताकि ये फ्लो भी मेंटेन हो जाए ओके ओके वेल अब काफ़ी बेटर है बट यहाँ पर थोड़ा सा शेप जो है आई थिंक इसे थोड़ा सा और ऊपर लेने की ज़रूरत है हमें सॉफ्ट सिलेक्शन कर रहा हूँ सॉफ्ट सिलेक्शन का लेक्चर बाद में देने वाला हूँ मैं क्योंकि इसमें हम जो भी पोर्शन सिलेक्ट करते हैं उसके रिलेटेड आजू बाजू के सारे एजेस एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं ओके तो थोड़ा सा डाउन मर्जिंग भी रख रहा हूँ ताकि क्या है 3D प्रिंटिंग में कोई इशू ना हो थोड़ा सा बॉटम में लेके इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर ओके आई होप के ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो गया है बट एक दो चीज़ें जो है डिटेलिंग्स हमारी रह गई है जैसे कि यहाँ पे कुछ एक गैप होने वाला है तो गैप के लिए हम क्या कर रहे हैं काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है तो मैं इसे बहुत ही जल्द ही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ ओके यहाँ पर दो एज फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पर भी एक एज आई थिंक ये जो गैप है मैं एक स्टेप बैक जा रहा हूँ यहाँ पर जो हमने एज ऐड किया है यहाँ से इसके बाद एक रिंग देंगे ओके और सिमिलरली यहाँ पर एक रिंग ताकि जो पोर्शन हमें डिलीट करना है वो सिर्फ इतना ही हो ओके इसे हम डिलीट कर देंगे यहाँ से ओके और बॉर्डर सेलेक्ट करके दोनों को
ब्रिज कर सकते हैं हम, अदरवाइज हम अगर मैं इसे ब्रिज करने जाऊं तो थोड़ा सा परेशानी है। ओके बेटर है। यहाँ पर कुछ परेशानी होगी क्योंकि जो एच फॉर्मेशंस यहाँ से होने वाले हैं। ओके तो ब्रिज जब हम करते हैं तो ब्रिज करने से पहले हमें इन एजेस को सिलेक्ट करना है, सेपरेटली ब्रिज करना होगा यहाँ पर। ओके और सिमिलरली यहाँ से भी सेपरेटली ब्रिज करना होगा। अब इसे हम रिंग कर देंगे, दो एच हमें क्रिएट करना है सेंटर लूप। वर्टेक्स को हम वेल्ड कर देंगे यहाँ पे। ओके और फास्टली कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर भी हमें दो एज फॉर्मेशन की ज़रूरत है, इसमें गैप्स थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सेंटर वेल्ड कर दे रहा हूँ। ओके वेल फाइनली ये शेप जो है हमारा क्रिएट हो गया है, बट यहाँ पे भी हमें सपोर्टिव एजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सपोर्टिव एजेस यहाँ पे भी दे सकते हैं और सिमिलरली यहाँ पर भी सपोर्टिव एजेस दे सकते हैं। ओके और यहाँ पर भी तो यहाँ से जो हमें एजेस निकालना है वो आई थिंक सबको आइडिया आ गया है। तो मैं इसे थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ ताकि क्या है कि वीडियो में जल्दी समअप कर सकूँ। ओके और इतने एजेस निकल जाएंगे और यहाँ पर सपोर्टिव एजेस फिर से आ जाएंगे और इसे हम निकाल देंगे। वेल तो हमारा जो शेप है ऑलमोस्ट कंप्लीट है और यहाँ पर जब सपोर्टिव एज की ज़रूरत है तो आई थिंक इसे थोड़ा सा नज़दीक ले लेना चाहिए और सिमिलरली यहाँ पर भी दो एजेस फॉर्मेशन कर देना चाहिए। ओके वेल तो
आई थिंक ये भी कंप्लीट है और कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ बाकी है। यहाँ पर भी गैप्स होने चाहिए थे बट हमने फॉर्मेशन कर दिया था। वैसे तो हमने यहाँ पर गैप रखा ही है लेकिन जो फॉर्मेशन हमने यहाँ पे किया था बॉडी में तो वो एक करेक्शन है, ये है नहीं एक्चुअल में, तो इसे भी हम डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एज फॉर्मेशन है सबसे पहले इसे कैप कर देंगे और जो एजेस है, एजेस जो हमें नहीं चाहिए उसे हम निकाल सकते हैं कंट्रोल बैक स्पेस से। ओके, और यहाँ पर कुछ वेल्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वेल्डिंग करके हम इसे समाप्त कर सकते हैं। ओके, और इस फ्लो को चाहिए तो हम एज रख के थोड़ा सा बैक साइड ले सकते हैं। ओके, वेल ऑलमोस्ट हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है कंप्लीटेड है। यहाँ पर भी हमने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है तो आई थिंक के इसे भी हमें सुधार देना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और ये फाइनल है तो इसे थोड़ा अच्छी तरीके से फिनिश अप करते हैं। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँ तो थोड़ा क्विक एंड फास्ट करूँ। ओके, तो यहाँ पर वैसे तो होलिंग है बट अगर हम होलिंग नहीं दिखाना चाहते हैं तो हमारे लिए ठीक है और अगर होलिंग दिखाना चाहते हैं तो पूरा हम अंत तक ले सकते हैं। तो आई थिंक कि ये इनफ है क्योंकि हमने ऑलमोस्ट अभी जो है होलिंग का सेक्शन कंप्लीट किया है तो आई थिंक ये बेटर है। इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे थोड़ा सा शेपिंग कर देते हैं क्योंकि ये जो है शेप थोड़ा सा लुक अलग यहाँ पे होना चाहिए। एक एच आई थिंक इनफ है। ओके वेल, और इसके जो बैक से ओके गाइस, तो फाइनली हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है वो कंप्लीट हो गया है और इसे हम रेंडर करने जा रहे हैं और इसमें कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल दे सकते हैं हम। फ़िलहाल के लिए तो मैं एक नॉर्मल सा ब्लू कलर दे दे रहा हूँ। ओके, तो मटेरियल में थोड़ा सा डार्कनेस समथिंग कुछ ग्लोसी टाइप का, मेटलिक करना हो तो मेटलिक भी कर सकते हैं। ओके, कलर में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में देता हूँ। स्पेक्युलर लेवल जो है थोड़ा सा कुछ इस तरीके से। वेल आई होप के ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो और इसमें काफ़ी सीखने मिला हो, तो
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट नया ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे, और तब तक के लिए इसे प्रैक्टिस करते रहे और दूसरे दूसरे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते रहे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।